मोबाइल फटने की घटना तो अक्सर होती रहती है, लेकिन अब एलईडी टीवी फटने की घटना भी सामने आ रही है। हाल ही में गाजियाबाद में एलईडी टीवी फटने की घटना हुई है, जिसमें उस घर के 3 में से एक 16 साल के लड़के की मौत हो गई। धमाका इतना तेज था कि दीवार के भी चीथड़े उड़ गए। कहीं आपका टीवी भी फटने के कगार पे तो नहीं है? आज का एक्सप्लेनर में इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। टीवी फटने का पहला कारण हो सकता है कैपेसिटर। इसका काम इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर टीवी में सप्लाई करना होता है। इसके पुराने या खराब होने पर टीवी में ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि कैपेसिटर के कारण गाजियाबाद जैसे हालात नहीं हो सकते हैं। इससे सिर्फ टीवी में धुआं निकलेगा। दूसरा कारण है वोल्टेज का कम ज्यादा होना। मैन्युफैक्चरर टीवी बनाते समय कई सारे कंपोनेंट को जोड़ते हैं। ये कंपोनेंट वोल्टेज फ्लक्चुएशन, डिफेक्टिव पावर लाइन और खराब वायरिंग से फेल हो सकते हैं, जो ब्लास्ट की वजह बन सकते हैं। तीसरा, ओवरहीटिंग। लंबे समय तक टीवी चलने पर ब्लास्ट हो सकते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि इससे सिर्फ टीवी में आग लगेगी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। चौथा, खराब रिपेयरिंग। कभी कभार कम एक्सपीरियंस वाले टेक्नीशियन भी टीवी सुधार देते हैं, लेकिन इसे सुधारते वक्त ये गलत वायरिंग कर देते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बना रहता है। अब आपका सवाल हो सकता है कि क्या टीवी को ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं? तो जी हाँ, जब टीवी नहीं देख रहे हैं तो टीवी को मेन प्लग से निकाल दें, जिससे वो ओवरहीटिंग नहीं होगी। स्मार्ट टीवी को आप एनर्जी सेविंग मोड में भी रख सकते हैं। आप टीवी को ओवरहीटिंग से बचा सकते हैं। टीवी को ऐसी जगह पे लगाएं जहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो। साथ ही साथ आप समय समय पर घर में लगे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को भी चेक करते रहें। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।